कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो एक अभिनेता को फैंस के बीच हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। ऐसे ही किरदारों में से एक था शोले के सांभा का किरदार। शोले के खूंखार डाकू गब्बर सिंह के दाहिने हाथ सांभा का किरदार निभाया था अभिनेता मैकमोहन ने। सांभा के रोल ने मैकमोहन को कभी ना मिटने वाली पहचान दी थी। आज मैकमोहन हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन फैंस उन्हें आज भी उनकी शानदार अदाकारी के लिए याद करते हैं। 24 अप्रैल यानी आज मैकमोहन का जन्मदिन होता है। यदि आज मैकमोहन जीवित होते तो वो 83 साल के हो गए होते। 10 मई 2010 को 72 साल की उम्र में मैकमोहन का निधन हो गया था। वह फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे और तकरीबन एक साल तक कैंसर से जंग लड़ने के बाद उनका निधन हो गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैकमोहन का असल नाम मोहन मक्कीजैनी था, लेकिन उन्हें शोहरत मिली मैकमोहन के नाम से। 24 अप्रैल 1938 को मोहन का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल हुआ करते थे। साल 1940 में मैकमोहन के पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया था। मैकमोहन ने अपनी पढ़ाई लखनऊ में ही की, लेकिन उन्हें बचपन से एक क्रिकेटर बनने की चाहत थी। उन दिनों में क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग सिर्फ मुंबई में ही दी जाती थी, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए वे साल 1992 में मुंबई आ गए। लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रिकेटर के बजाय एक्टर बना दिया। साल 1964 में फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले मैकमोहन का फिल्मी करियर 46 साल लंबा रहा। करीब 175 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था फिल्म शोले के सांभा का किरदार। मैकमोहन हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनके परिवार से मिलवाने जा रहे हैं। मैकमोहन ने साल 1986 में शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम मिनी मक्कीजैनी है, जबकि उनके 3 बच्चे हैं, बेटियां मंजरी, विनती और बेटा विक्रांत। मैकमोहन की दोनों बेटियां फिल्मी दुनिया से जुड़ी हैं, हालांकि उनके बच्चे पिता जैसी सफलता नहीं दोहरा पाए। मैकमोहन की बड़ी बेटी है मंजरी। मंजरी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। उन्होंने द लास्ट मार्बल, द कॉर्नर टेबल जैसी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। मंजरी शादीशुदा हैं। उनके हस्बैंड भी फिल्म बिजनेस से ही जुड़े हैं। मंजरी अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में रहती हैं, हालांकि उनका मुंबई में ही आना जाना लगा रहता है। शादी के बाद भी वे अपनी माँ और छोटे भाई बहन से बेहद जुड़ी हैं। मैकमोहन की दूसरी बेटी का नाम है विनती। विनती भी एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म माई नेम इज खान के आर्ट डिपार्टमेंट में वो शामिल थी। विनती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वह अपने परिवार की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। मैकमोहन के बेटे का नाम है विक्रांत। विक्रांत ने मंश्री की फिल्म द लास्ट मार्बल में भी काम किया था। विनती अपने भाई विक्रांत की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जिसमें वह अपने भाई पर प्यार लुटाती दिखती हैं। इनके अलावा रवीना टंडन से मैकमोहन का करीबी रिश्ता है। मैकमोहन रवीना टंडन के सगे मामा थे। मैकमोहन अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।